हेलो फ्रेंड, मैं हूं विवेक दरी, इंस्ट्रक्टर बीआईटी सिंदरी। आइए आज हम लोग जीनर डायोड का स्टडी करते हैं। जीनर डायोड का यूज जो है वोल्टेज रेगुलेशन करने के लिए यूज होता है और इसको हम लोग रिवर्स बायस में यूज करते हैं। तो आज हम लोग आईडी करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले सर्किट कनेक्शन करेंगे और जीनर का करेंट और वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे और वोल्टेज और करेंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले किट में सर्किट कनेक्शन करना सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग किट में सर्किट कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इनपुट वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। तो इसको हम लोग इस पोटेंशियोमीटर के पैरेलल में लगाएंगे। तो पॉजिटिव को यहाँ पॉजिटिव पे और नेगेटिव को यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग जीनर को इनपुट देंगे। यहाँ से हम लोग करेंट मेजरमेंट करेंगे। तो इसको हम लोग इसका पॉजिटिव को एनोड साइड और नेगेटिव को यहाँ ग्राउंड पे कनेक्ट करेंगे और इस वोल्ट मीटर को जीनर के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव को कैथोड साइड और नेगेटिव को यहाँ पे एनोड साइड कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सर्किट कनेक्शन करेंगे। इस मीटर से हम लोग इनपुट वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। तो इसको 20 वोल्ट डीसी का रेंज में सेट करेंगे और यहां से जीनर वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। तो इसको हम लोग 20 वोल्ट डीसी का रेंज में सेट करेंगे और यहां से जीनर करंट मेजरमेंट करेंगे। तो इसको 20 मिली एम्पियर डीसी का रेंज में सेट करेंगे। सारा इनपुट 0-0 है तो जीनर वोल्टेज और जीनर करंट भी 0 है। अब हम लोग यहाँ से इनपुट वोल्टेज को वेरी करेंगे 0.5 वोल्ट के डिफरेंस पे। 0.5 वोल्ट पे जीनर वोल्टेज है 0.5 वोल्ट और करंट है 0। फिर इसको हम लोग 1 वोल्ट वेरी करेंगे। 1 वोल्ट पे जीनर वोल्टेज है 1.01, करंट है 0। फिर इसको हम लोग वेरी करेंगे 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट पे जीनर वोल्टेज है 1.48 और करंट है 0.02 मिली एम्पियर। फिर इसको हम लोग वेरी करेंगे 2 वोल्ट। 2 वोल्ट पे जीनर वोल्टेज है 1.89 वोल्ट और करंट है 0.11 मिली एम्पियर। फिर इसको वेरी करेंगे 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट पे जीनर वोल्टेज है 2.18 वोल्ट और करंट है 0.32 मिली एम्पियर। फिर इसको वेरी करेंगे 3 वोल्ट। 3 वोल्ट पे जीनर वोल्टेज है 2.37 वोल्ट और करंट है 0.63 मिली एम्पियर। तो ये जीनर डायोड जो है 3 वोल्ट का है और हम लोग इसको 3.5 वोल्ट देंगे। 3.5 वोल्ट पे वोल्टेज है 2.52 और करंट है 1.0 मिली एम्पियर। फिर इसको हम लोग वेरी करेंगे 4 वोल्ट तक। 4 वोल्ट पे जीनर वोल्टेज है 2.63 वोल्ट और करंट है 1.39 मिली एम्पियर। यहाँ पे जीनर वोल्टेज जो है 3 वोल्ट है तो यहाँ पे 2.63 वोल्ट पे ही लगभग ये कांस्टेंट हो गया और इनपुट वोल्टेज हम लोग 4 वोल्ट दे रहे हैं, लेकिन ये वोल्टेज जो है जीनर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 2.63 वोल्ट है। अगर इस वोल्टेज को हम लोग और वेरी करेंगे तो 3 वोल्ट पे यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा और ये करंट इंक्रीज करते जाएगा, लेकिन ये वोल्टेज जो है हम लोग का कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका रीडिंग को नोट डाउन करते हैं। तो आइए अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं। आई जेड को हम लोग वाई एक्सिस में रखेंगे और वी जेड को हम लोग एक्स एक्सिस में रखेंगे और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे।